सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 200 से अधिक पालतू भेड़ों की मौत हो गई है। मामला द्रौंदा थाना क्षेत्र के भीकमपुर के समीप की है। एक साथ इतने सारे भेड़ों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है, तो वहीं कई लोग इन्हें वायरस भी बता रहे हैं। हालांकि इतने सारे भेड़ों की मौत एक साथ कैसे हुई, अभी तक इसकी अंदाजा नहीं लगाई जा सकी है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इतने ज्यादा भेड़ों की एक साथ मौत का कारण क्या है। हालांकि कई लोग जहरीली घास चरने के मौत के कारण बता रहे हैं। फिलहाल अभी मुख्यालय से डॉक्टर और अधिकारी घटना स्थल पर कैंप कर मामले की जांच कर रहे हैं। अरे भेड़ की मृत्यु कैसे हुई सर? हम लोग यहाँ पर चावरा में लेकर इसको चराते हैं, क्योंकि हम लोग घर में रहने वाले नहीं हैं, गरीब आदमी, भेड़ रखे हैं पालन पोषण करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इसके जरिए कुछ इनकम होगा। हम लोग खेतों में रहते हैं, खेत खलिहानों में, यहाँ चौरा इधर उधर में रहते हैं, ये सबको चराते हैं। एक घास होता है जिसको लपटा कहते हैं, लपटा का एक पनका होता है, वही खाई है, उसके चलते ये सबका मृत्यु हो गया है। अभी कितनी भेड़ बकरियों की मौत हुई है अभी यहाँ पे? लगभग 300 भेड़ बकरी की मौत हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 300 कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं है। अभी तक कोई उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हम लोगों को। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में गए लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचे। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले नहीं, चलिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहुँचे नहीं स्पॉट पर। हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, ये लोग साथ में जा रहे हैं। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसका कुछ मुआवजा मिले गरीबों को। रातों दिन एक एक करके ये लोग अपना गुजर सफर करने के लिए भेड़ चराते हैं। पैरों में चप्पल नहीं होता है, ऊपर छत नहीं है, ओढ़ने का बिस्तर नहीं है चौरा में, लोग यहाँ तरह ही तरह करते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ मुआवजा देना चाहिए ना। लगभग गए थे धुरंधर ब्लॉक पर तो डॉक्टर साहब नहीं आए। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दवाई दिए और आए नहीं। हम लोग बोले जो चल कर देखिए शहर, नहीं आए। वो जांच के लिए यहाँ पे नहीं आए स्पॉट पे, अपना ब्लॉक पर भेजे। तो हम अपना ब्लॉक पर गए तो सीओ साहब से हमारा मुखिया बोले जो अठी कीजिए, सीओ साहब से भेंट कीजिए। तो सीओ साहब बात करके डॉक्टर को भेजे तो चाइनामा से लौट गए, कहे जो हमारा एरिया नहीं है, लौट गए। तो फिर हम फोन किए मुखिया के पास, तो मुखिया बोले जे फिर भेजते हैं। तो अभी तक डॉक्टर साहब आपका नाम शिवनाथ भक्त है। ऐसे ही मौत हुआ भेड़ सबका? जहाँ तक ये लोग का हिस्ट्री है, ये लोग का जिसका भेड़ है वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पोखरा है, पोखरा से कुछ घास खा करके आई और उसी शाम से ये मरना शुरू हो गई। तो हो सकता है कि पॉइजनस घास खाई हो या हाइपोथर्मिया का केस हो सकता है, उसके कारण भी मौत हो।